फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए अभिषेक राज को और बेल आइकन को भी प्रेस हेलो कीजिए। फ्रेंड्स, मैं अभिषेक राज। आज बात करेंगे हम यूपी उत्तर प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में। और इसमें एक वैकेंसी आई हुई है कंप्यूटर इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए, और इसमें आईटीआई के लिए भी है और इसमें 4 महीने के लिए भी है। तो चलिए इसके बारे में हम पूरी जानकारी देते हैं आपको। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट दिखा रहा है 1477 पोस्ट है। और यहाँ आपको इसको वेबसाइट पाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में upssc.gov.in डालेंगे तो आपका ये वेबसाइट खुल जाएगा। और यहाँ पे आएंगे नोटिस बोर्ड में, और यहाँ पे दिखेगा नोटिस बोर्ड में आपको ये विज्ञापन, और इस विज्ञापन को हम डाउनलोड करते हैं और इसके बाद देखते हैं इसकी पूरी डिटेल्स। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और विज्ञापन डाउनलोड होना शुरू हो रहा है। नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और इसमें आप पूरा डिटेल्स आपको दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन डेट है वो 25 अक्टूबर 2018 दिखा रहा है, लेकिन फॉर्म अभी भरा नहीं जा रहा है। और यहाँ पे बात करेंगे हम, यहाँ पे जो दिख रहा है ये सॉरी गलत हो गया, ये चलिए। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें जो ऑनलाइन आवेदन करने की रजिस्ट्रेशन की तिथि है जो 10 अक्टूबर दिखा रहा है, सॉरी 30 अक्टूबर दिखा रहा है। 30 अक्टूबर से ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। और ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन का शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो भी 30 अक्टूबर से शुरू है। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुल्क आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11 मतलब 30 नवंबर दिखा रहा है यहाँ पे। आवेदन की संशोधन की जो तिथि है 7/12 तक चलेगा, आप संशोधन कर सकते हैं इसमें। और इसमें चलेंगे हम सीट की बात करें तो देखिए इसमें जो दिखा है उत्तर प्रदेश अनिवार्य सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 4/2018 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में रिक्त और अभियंता, विद्युत यांत्रिक 148, अवर अभियंता सिविल के लिए 982, अवर अभियंता जल कल के लिए 111, अवर अभियंता मुद्रण ओएसीआर के लिए 6, और इसमें अभियंता विद्युत के लिए 7, अभियंता कृषि अभियंत्रण के लिए 129, अवर दूरदर्शन अभियंता के लिए 1, अवर अभियंता ऑटोमोबाइल के लिए 1, विद्युत अवर अभियंता के लिए 7, विद्युत एवं यांत्रिक फोरमैन के लिए 3, और अभियांत्रिक अभियंता के लिए 35 और 43 यहाँ पे, और कंप्यूटर के लिए 4 है। कुल रिक्त 1477 पदों जिनका आरक्षित श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है। और ये पोस्ट का जो इतना पोस्ट है वो पोस्ट के बारे में यहाँ बता रहा था। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना होगा आपको, और इसके बाद आपको जो प्रोसेस है करने का उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, इसके बाद फिलिंग रिमेनिंग पार्ट जो है उसको भरेंगे, और फी पेमेंट करने के बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। इसमें प्रक्रिया की बात करें तो आपको सखी योग्यता के साथ साथ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और इसमें नाम, पिता का नाम, पति के नाम इत्यादि जन्मतिथि भरने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड होगा, और वेरिफिकेशन होने के बाद आप फॉर्म को आगे भर सकते हैं और प्रिंट भी डुप्लिकेट प्रिंटआउट भी ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ दिया हुआ है, चलिए आप इसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छा से देख लीजिएगा। आगे हम चलते हैं इसके क्वालिफिकेशन और इसमें जो आवेदन शुल्क है उसकी बात करेंगे हम। तो आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आवेदन शुल्क 200 रुपया है जनरल के लिए, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया, टोटल की बात करें 225 रुपये लगेंगे। और अन्य पिछड़ा का भी 225 है, अनुसूचित जाति के लिए 105 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 105 है, और विकलांग के लिए 25 रुपया है। और यहाँ पे जो तालिका ये बना हुआ है इसमें जो विभाग के अनुसार यहाँ पे आपका सीट की संख्या बताया गया है, पे स्केल बताया गया, तो आप देख सकते हैं कि पहला जो विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग विभाग का नाम है, इसमें अवर अभियंता विद्युत के लिए, यांत्रिक के लिए है, और ग्रेड पे यहाँ 4393 से लेकर 34800 रुपये हैं। इस तरह यहाँ सारा पोस्ट का जिक्र किया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं आसानी से। इसमें कंप्यूटर का संगणक का है, कंप्यूटर का है, इसके बाद अवर अभियंता सिविल का है, फिर विद्युत यांत्रिक का है, सिविल का है, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है। और कितना कितना पोस्ट है सारा पोस्ट आप डिटेल्स में देख रहे हैं, इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद ही से अप्लाई कीजिएगा। ये सारा पोस्ट है। और इसमें आरक्षण की बात करें तो आरक्षण भी दिया गया है, आरक्षण के साथ साथ अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर नीचे आपको दिया क्वालिफिकेशन जो अनिवार्य योग्यताएं क्या है। जैसे पहला है अवर अभियंता विद्युत यांत्रिक के लिए, यहाँ दिखा रहा है कि राज्य सरकार या प्राधिकरण
प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था, किसी संस्थान से विद्युत एवं यांत्रिक में डिप्लोमा, इस तरह संगणक के लिए भी डिप्लोमा मांग रखा है, और अभियंता सीड के लिए डिप्लोमा मांग रखा है, यांत्रिकी के लिए भी डिप्लोमा है, और इसमें इसमें सारी डिप्लोमा का यहाँ न्यूनतम डिप्लोमा होना चाहिए। एक जगह आईटीआई का भी जिक्र है, उसमें आईटीआई भी मांग रखा है। जैसे हम बात करेंगे आईटीआई के लिए, तो आईटीआई के लिए जो पोस्ट है इसमें जो दिखा रहा है, और यहाँ पे विद्युत यांत्रिक है, और देखिए यहाँ पे आईटीआई निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रोक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ, इसमें लिखा है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत यांत्रिक रेफ्रिजरेशन अभियंत्री में त्रिवर्षीय डिप्लोमा और संयंत्र परिचालन या संबंध व्यवसाय से कम 2 वर्ष का अनुभव, और इसमें लिखा है यांत्रिक व्यवसाय में आईटीआई प्रमाण पत्र और 1 वर्ष का अनुभव भी यहाँ लिखा हुआ था। मतलब इसमें इस पोस्ट में आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आपको डिप्लोमा होना चाहिए सारे पोस्ट के लिए। तो चलिए इतना ही था आज के लिए, और इसमें आप इसे अच्छे से पढ़कर इसे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो आप इसे डाउनलोड कीजिए और इसे आसानी से समझ लीजिए और इसे अप्लाई कर दीजिए। चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच।